हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास एंड आई एम योर टीचर मीनाक्षी। सो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई नो दैट यू ऑल आर फाइन। सो चिल्ड्रन, कभी आपने अपने आसपास देखा है कि हमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि कोई थिंग बहुत बिग है और कोई बहुत स्मॉल, कोई पर्सन बहुत टॉल है और कोई बहुत शॉर्ट। कभी मिल्क हॉट होता है तो कभी मिल्क कोल्ड भी होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैम हमसे इतनी डिफरेंट बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि आज हम ऐसी चीजों के बारे में जानने वाले हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, यानी ऑपोजिट्स। सो चिल्ड्रन, कम ऑन, Let us learn opposites. A pair of words with different meaning is called opposites. यानि दो words साथ में तो होते हैं लेकिन उनकी meaning बिल्कुल अलग होते हैं और उनको हम कहते हैं opposites। और हिंदी में इन्हें विलोम शब्द भी कहते हैं। ऑपोजिट मतलब उल्टा। जैसे हैप्पी एंड सैड। आप देखो बच्चों, यहां पर एक गर्ल है जो है हैप्पी और एक गर्ल सैड है। तो हैप्पी का ऑपोजिट क्या है? सैड। कोल्ड, हॉट। देखो बच्चों, ये क्या है? आइस क्यूब। और ये क्या है? फायर। आइस क्यूब कैसी होती है? बहुत ठंडी। और फायर कैसी होती है? बहुत गर्म। तो कोल्ड का ऑपोजिट है हॉट। बिग लायन, स्मॉल रैट। तो बिग का ऑपोजिट है स्मॉल। ड्राई, वेट। आप देखो बच्चों, यहां पर ये गर्ल जो है वो अम्ब्रेला लेके खड़ी है, इसीलिए ये रेन में भीग नहीं रही है और ये बॉय तो पूरा भीग गया। तो गर्ल कैसी है? ड्राई है। और बॉय कैसा है? बिल्कुल वेट। ओह, ये जिराफ तो कितना टॉल है और ये टू मंकीज मिलके भी इसकी हाइट को नहीं ले पा रहे हैं। तो ये क्या है? शॉर्ट। टॉल और ये है शॉर्ट। टॉल का ऑपोजिट शॉर्ट। चिल्ड्रन, ये है डे टाइम यानी दिन और ये है नाइट। अब देखो, डे में हमें क्या दिखाई पड़ता है? सन दिखता है और लाइट होती है सन की, तो हमें सब चीजें अच्छे से दिखाई पड़ती हैं। हमको स्काई भी ब्लू कलर का नजर आता है, लेकिन उसका ठीक ऑपोजिट होता है नाइट। और नाइट में हमको सारी चीजें ब्लैक नजर आता है। देखो, ये स्काई भी हमें बिल्कुल ब्लैक दिख रहा है और हमें क्या दिखता है? मून दिखता है और स्टार्स दिखते हैं। कभी हमने नाइट में सन देखा? नो। कभी हमने मॉर्निंग में मून देखा? नो। तो डे का ऑपोजिट है नाइट, क्योंकि ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट हैं। ओह, दिस बॉय इज फैट एंड दिस बॉय इज थिन। तो फैट का ऑपोजिट है थिन यानी पतला। ओ, दिस बास्केट इज फुल ऑफ ईस्टर एग्स एंड दिस बास्केट इज एम्प्टी। दिस इज फुल एंड दिस इज एम्प्टी यानी ये भरी हुई है और ये खाली है।
न्यू कार. ओ दिस इज ओल्ड कार. दिस इज न्यू एंड दिस इज ओल्ड. तो न्यू का ऑपोजिट क्या हुआ? ओल्ड. चलिए कुछ और ऑपोजिट वर्ड्स लर्न करते हैं. ये क्या है? राइट. और ये क्या है? रॉन्ग. कोई चीज राइट भी हो सकती है और कोई रॉन्ग भी हो सकती है. नियर. और नियर का ऑपोजिट होता है फार. मतलब ये क्या है? पास है और ये है दूर. स्ट्रॉन्ग. और स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट होता है वीक. स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट वीक यानी कमजोर. और ये है ताकतवर और ये है कमजोर. हार्ड मतलब सख्त. हार्ड मीन्स सख्त और सॉफ्ट मीन्स नाजुक. सख्त और ये क्या है? नाजुक. हार्ड एंड सॉफ्ट. स्लो. स्लो फास्ट. स्लो का ऑपोजिट है फास्ट. ओके चिल्ड्रन, दिस इज एक्सरसाइज टाइम नाउ. अच्छा बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं. ये देखो, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी हैं और इन पिक्चर्स को देख के हमें यहाँ पर इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है. और जो भी वर्ड इस सेंटेंस में आएगा उसका ऑपोजिट इस सेंटेंस में आएगा. ओके तो लेट्स स्टार्ट. योर कैट इज फैट. देखो ये कैट तो फैट है ना. और माई कैट इज, अब फैट का ऑपोजिट क्या होता है? यस थिन. तो ये कैट कैसी है? फैट. और ये कैट कैसी है? थिन, बहुत पतली. अब यहां पर टू पिक्चर्स और हैं और टू सेंटेंसेस हैं, तो चलिए इनको रीड करते हैं. आई एम, कैसा है ये फेस? हैप्पी. और अरे, यू आर हैप्पी का ऑपोजिट सैड. दिस टी इज, टी कैसी है? हॉट. दिस टी इज हॉट. और ये जूस कैसा है? दिस जूस इज कोल्ड. राइट. हॉट का ऑपोजिट कोल्ड. अच्छा बच्चों, आपको पता है सन कहाँ है? सन हमसे बहुत दूर है. द सन इज फार, बहुत दूर. फार. और पार्क कहाँ है? पार्क इज नियर. आप तो पार्क रोज जाते हैं ना, तो पार्क कहाँ है? पार्क तो बहुत पास में है. लेकिन सन कहाँ है? सन बहुत दूर है. तो फार का उल्टा क्या है? ऑपोजिट नियर. सो चिल्ड्रन, अब आप इन ऑपोजिट वर्ड्स को अच्छे से लर्न करिए और मैं आपको मिलूंगी न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. बाय.